फसल में नुकसान हुआ, कणक की फसल में नुकसान हुआ। मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों का बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर आसमान में लगातार बादल छाए हुए थे। वहीं पर आज यमुनानगर में एकदम से अचानक बारिश हुई और सड़कें लबालब हो गई। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इस बरसात को लेकर वहीं किसानों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि यह बारिश किसानों के लिए घातक सिद्ध होगी। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर कल सारा दिन यमुनानगर में धूप निकली रही, लेकिन आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और अचानक तेज बरसात ने जहां सड़कों को लबालब कर दिया, तो वहीं पर किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पर बारिश होने से भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नुकसान होगा बहुत ज्यादा, बारिश चल रही है, बड़ा फसल नुकसान होगा जी। पिछली बार भी, पिछले साल भी बारिश हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। जीरे की फसल में नुकसान हुआ है, कणक की फसल में नुकसान हुआ है, भूस में बड़ा नुकसान हुआ है। अब कभी जिस हिसाब से बारिश लग रही है, ऐसा भी काफी नुकसान होने के चांस लग रहे हैं। इसमें फसल सर जी ज्यादातर कणक की फसल खराब होती है और भूस भी खराब होता है जी, तो ज्यादातर यही फसल खराब होती है। इसका इसके ऊपर डिपेंड है सारे लोग को, सारे हिंदुस्तान को सब अनाज चाहिए, तो ये फसल बारिश ठीक रहे, मौसम ठीक रहेगा तो अनाज भी मिलेगा। अब की तो खैर किसी का हमारे जिस हिसाब से आज ही बताई हुई है बारिश, आज कल की भाई बारिश बताई हुई है, जैसा कि हमारा सुख के बाद दो भाई को अरदास करते हैं मौसम ठीक रहे आगे और किसानों भाई को फायदा हो। मतलब 6 महीने की फसल है तो उसमें काफी लोगों को बेनिफिट मिले, हमें बेनिफिट मिले, हमें भी अनाज मिलेगा खाने को, बूश भी मिलेगा जगहों को, तो उसमें फायदा है। जिसका बारिश नहीं होनी चाहिए, हमारे तीन भाई को अरदास है भी मौसम ठीक साफ रहे और कदम अपना फसल अच्छी हो और जिम्मेदार खुश रहे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।